Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 that is settlement and land use and today I am going to deliver its lecture 4. So quickly pause the videos and open your books. I hope everybody has opened the book. So, my dear students, let's get started towards the lecture and see which knowledge we are going to cover today. So, today we are going to cover knowledge 3.4 from your books, in which you will be able to explain the conditions that are suitable for settlement. A settlement ko kahi bhi set hone ke liye, कौन सी कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं क्या चीज ऐसी देखकर लोग जो है वो वहां आबाद होते हैं आज हमने उन तमाम कंडीशंस को देखना है यह आप पहले भी क्लासेस में कवर कर चुके हैं बट इट इज गोइंग टू बी रिक सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड सो माय डियर स्टूडेंट्स कंडीशन सुटेबल फॉर अ सेटलमेंट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर रियली गुड एट फाइंडिंग स्मार्ट वेज टू लिव इन डिफरेंट प्लेसेस चॉइस ऑन सेटलमेंट लोकेशन इज एंड रैंडम वेरियस फैक्टर्स आर एग्जाम बिफोर मेकिंग भी जगह पर जब दुनिया में कहीं पर भी लोग आबाद होते हैं तो वो ये ऐसे रैंडमली जाके नहीं कि चलो यहाँ घर बना लेते हैं ऐसे नहीं होता सो दे लुक एट डिफरेंट कंडीशन अराउंड क्या क्या देखना चाहिए वो भी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या देखनी चाहिए ये चीजें तो वो अगर उनको सूट uh, करती हैं तभी वो वहाँ जो है वो आबाद होते हैं सो so, क्या क्या वो कंडीशंस हैं उसको हमने देखना है सो so, पुराने जमाने की अगर बात करें तो लोग जब नायल रिवर के पास आबाद हुए थे इजिप्ट में तो उन्होंने वहां पे ऐसे ही नहीं था कि वो आबाद हो गए थे क्योंकि उन्होंने अभी एग्रीकल्चर का आगाज किया था तो इसी वजह से उन्होंने बहुत से फैक्टर्स देखे थे जहां जो कि उनको सूट करते थे और फिर वो वहां आबाद हुए थे सो सूटेबल कंडीशन फॉर अ सेटलमेंट रेफर टू फैक्टर्स दैट मेक एन एरिया आइडियल फॉर पीपल टू लिव एंड बिल्ड देयर कम्युनिटीज़ सो इवन इन एंशन सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली एंड सेवरल फैक्टर्स गाइडेड सेटलमेंट्स सिलेक्शन। सो जब भी लोग यहाँ जैसे पुराने ज़माने में इंडस वैली के पास या इजिप्ट में नाइल के पास आबाद हुए थे तो उससे सेटल होने से पहले उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा था वो जब उनको सूट की तो फिर उन्होंने वहाँ अपने छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए सो so, सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि चलो आओ पहाड़ पर चढ़ के रहते हैं क्योंकि वहाँ घर बनाना और रहना काफ़ी मुश्किल होता है सो so, इवन पहाड़ों में भी जब लोग रहते हैं तो वो वैलीज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे कदरे जो है जो ट्रेन होता है वो काफ़ी फ्लैट होता है तो फिर वहाँ वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और अपनी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट करते हैं सो स्मूथ एरियाज मेक इट ईजियर टू बिल्ड एंड मूव अराउंड फॉर एग्जाम्पल द प्लेन्स एंड द इंडस वैली अलाउड फॉर अर्ली सेटलमेंट्स इन पाकिस्तान द पंजाब प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड फ्लैटनेस सो so, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए प्रीवियस ग्रेड्स में भी आप पढ़ चुके हैं तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन पाकिस्तान आर द इंडस इंडसप्लेन्स एक तो उसमें सबसे पहली वजह यह है कि उनका जो ट्रेन है या जो उनकी स्मूथनेस uh, की वजह से वहाँ घर बनाने आसान है दूसरी बात यह कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व हैं बिकॉज इट इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल uh, एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथ एरियाज में Uh, क, क, जो है उनको एंगेज करना उनके साथ जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है सो नेक्स्ट इज वाटर एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पुराने जमाने में जब सेटल होना होता था तो लोग कहाँ सेटल होते थे मैंने आपको कल भी इस लेक्चर में भी दिखाया लेक्चर नंबर आई गेस वो था वन पॉइंट वन ए वन बी लेक्चर था आपका और इस चैप्टर का उससे मैंने आपको पूरी जो है वो अर्ली सिविलाइजेशन के जो जगह थी वो मैंने आपको मैप पे दिखाई थी एंड ऑल द सिविलाइजेशंस वर नियर द रिवर्स वाई बिकॉज एट द स्टार्ट पीपल वॉट इन एनी इंडस्ट्री और इन एनी वॉट इंगेज इन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उस वक्त लोग क्या करते थे एग्रीकल्चरल और फार्मिंग से रिलेट करते थे तो इस वजह से वो पानी के नज़दीक जगह ढूंढते थे जो स्मूथ भी हो प्लेन भी हो पानी भी आसानी से मिल जाए जो वो पी भी सकें इस्तेमाल भी कर सकें और फसलों को भी दे सकें सो है वाटर सोर्स और रिलायबल सप्लाई इज वाइटल For instance, the Nile River in Egypt and the Indus River in the Indus Valley civilization enable uh, settlements in Pakistan. Places near rivers are well settled because they have plenty of fresh water. So, next is moderate climate. अब कोई भी शद गर्मी में या शदीद सर्दी में जाके नहीं रहना सकेगा तो जहाँ चार सीजन uh, आपको देखने को मिलते हैं जहाँ क्लाइमेट जो है वो ऐसा होता है जहाँ आप आराम से रह सकें तो लोग हमेशा वहाँ सेटल होते हैं एंटार्क्टिका पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है कोई भी वहाँ जाके नहीं रहता वाई बिकॉज द टेम्परेचर और द क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम नॉट

ठीक है गर्मियां थोड़ी सी हार्श होती हैं बट स्टिल आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए काफी फे, आ, फेवरेबल है तो इस वजह से ये एरियाज आपको काफी डेंसली पॉपुलेटेड नजर आते हैं नेक्स्ट इज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज सो जहां भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा होंगी आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो बरामदाद जो है वो कर... हैं आप आ, ट्रेड एक्टिविटीज को कर सकते हैं आप वहां जो है उस इलाके में अपना आ, हमेशा सेटल होना चाहेंगे इसके अलावा लोग पुराने जमाने में रिवर्स पे इसीलिए सेटल होते थे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी अगर कर सकें तो वो पानी के जरिए कर सकें क्योंकि उस वक्त सड़कें वगैरह नहीं होती थी तो कोई भी ऐसी जगह जहां आप सड़क भी बना सकते हो जहां आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज तो आप उस तरह की जगह को हमेशा सेटल होने के लिए उसको जो है वो ऑप्ट करते हैं सो बीइंग क्लोज टू ट्रेड रूट्स और इंपॉर्टेंट सोर्सेज इज लाइक हैविंग अ शॉर्टकट टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान कराची इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल इट इज मेन गेट फॉर ट्रेडिंग बाय सी अट्रैक्टिंग अ बस्टलिंग पापुलेशन सो कराची बींग एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब बीग एन इकनॉमिक हब यहाँ क्या है कि लोग जो है यहाँ क्यों ज़्यादा सेटल होते हैं क्यों आबादी इस सिटी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो यहाँ समंदर है लोग बासानी जो है वो मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं मुख्तलिफ़ फ़िंग जो अपरचुनिटीज़ uh, हैं वो उनको मिलती हैं इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी अपर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ एक बड़ा हवाई अड्डा भी इसीलिए बनाया गया है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जा सके और फिर क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी तो वेल मेनटेन रोड्स भी बनानी पड़ी यहाँ तो हमेशा लोग ऐसी जगह पर सेटल होना पसंद करते हैं जहाँ वो आराम से ट्रेडिंग ऑपरचुनिटीज़ जो हैं वो उनको मिल सकें सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज डेट ये कुछ ऐसी चीजें थी या ऐसी कंडीशन थी जिनको जो बहुत जरूरी होती हैं किसी भी सेटलमेंट की आबाद करने के लिए उसको या उसको सेटअप करने के लिए फॉर प्रेक्टिस यू कैन डाउनलड दिस वर्कशीशीट फ्रॉम द डिस्प्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट अटेनमेंट फॉरम बायो टीचर पॉज द वीडियो एंड क्विकली फनिश द वर्कशीट I hope everybody has finished the worksheet. So, my dear students, for homework, you will complete activity number three and skill 3.3 in your books. You will scan the QR code and you will have access to a worksheet. That will be the skill sheet. And in, uh, for questions, you will complete uh, question number four from exercise B, which is a short question. So, this is going to be your homework. सो माई डियर स्टूडेंट्स आज के चैप्टर का क्या हमने पढ़ा क्या इसका कंक्लूजन है कि कंडीशन जो सूटेबल है किसी भी सेटलमेंट के लिए वो क्या है कि वहाँ का टेरेंट ट्रेन जो है वो फ्लैट um, होना चाहिए वाटर एक्सेस होनी चाहिए मॉडरेट जो है वो क्लाइमेट हो क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेटलमेंट टू सेटअप ओके So, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.